सर पे चढ़ गया पानी, कहाँ गई वो सिलेंडर वाली रानी। सरकारी नौकरी प्राइवेट हो रही है, लाखों खड़े हैं बेरोजगार भैया। जनता पर टैक्स लगातार वो लगा के, जनता पर टैक्स लगातार वो लगा के दिया सब अडानी को उधार भैया। तेरे हाथ में है सत्ता, सर से बहालो पानी। मौसम ये जिस दिन बदला, तेरी होगी खत्म कहानी। हमारी चुनावी कवरेज इस समय मैनपुरी में पहुंची हुई है। हमारे साथ समाजवादी संस्कृत प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सोलंकी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। गाने के माध्यम से तो आप पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का जलवा यूट्यूब से लेकर सोशल मीडिया पर बिखेरते हैं जी। आपके ही भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपर स्टार कहे जाते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। कौन है? आजमगढ़ से लड़ रहे हैं। क्या है? अभिनेता हैं, सांसद जी हैं। तो आजमगढ़ से तो दावा तो कर रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव को हम हरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी भारत के अंदर सबसे बड़ी झूठ बनाने वाली कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो उस फैक्ट्री का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और नए नए जैसे वो नहीं होते हैं, नए नए ब्रांड बनाना, तो आज कौन सा झूठ मार्केट में लॉन्च किया जाए, कल कौन सा किया जाए। इनके 400 पार के जो दावे हैं ना, वो 400 सीटों के नहीं हैं, वो 400 रुपये ज़रूरत के सामान जो है, जो 100 रुपये किलो होना चाहिए, जो 50 रुपये किलो, 400 पार लहसुन का दाम, ठीक है। और गारंटी की बात आप कर रहे हैं, गारंटी तो दिया था देश में कई करोड़ नौकरियों का गारंटी। जो आदमी अपने परिवार की गारंटी नहीं ले सकता, वो देश के लोगों की गारंटी क्या लेगा। हाँ, गारंटी एक चीज़ की है, एक चीज़ की गारंटी है, अगर इनकी फिर सरकार बन गई तो गारंटी नहीं है, गारंटा है कि देश में आज के बाद फिर से एक कोई नौकरी नहीं मिलेगी। गाने के माध्यम से आप समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हैं, प्रकोष्ठ समाजवादी संस्कृत प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। गाना नया कौन सा लॉन्च हुआ है जो पूरी तरीके से धूम मचा रहा है? रोज नया गाना गाते हैं। देखिए, गाना धूम मचाना नहीं है, मेरा विजन होता है आम आवाम की समस्याओं को अपने गाने में इंक्लूड करके और जनता के बीच में रखा जाए, इसलिए कि देश प्रथम है, देश है तो हम है, दल से बड़ा देश होता है। लेकिन हुआ के खिलाफ धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं, सपा के लिए कोई गाना लिखे हैं? 1000 गाने, अब हमसे ज्यादा गाने कौन गाता है? एक बता दीजिए, सुना दीजिए। अब समाजवादी पार्टी के गीते तो सुनिएगा आप, वर्तमान कल्चर पे तो जानिए। हाँ। देश की स्थिति हाँ। कहाँ है, देश कहाँ खड़ा है। दूसरे का जनमल खिलावत खिलावत, बेच दिया देश चौकीदार भैया। बिक गया जनता पर टैक्स लगातार वो लगा के, जनता पर टैक्स लगातार वो लगा के दिया सब अडानी को उधार भैया। हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं, 14 के बाद 10 साल हो गया हमको ढूंढते और मिली ही नहीं। मैं उनके इंतजार में हूँ, कृपया आप लोग से निवेदन कर रहा हूँ, कहीं मिल जाए तो ला करके जरा हमसे मिलवा दीजिएगा। महंगाई वाला सर पे चढ़ गया पानी, महंगाई वाला सर पे चढ़ गया पानी, कहाँ गई वो सिलेंडर वाली रानी। में है? नहीं, मैं तो देख ही नहीं पा रहा। कहाँ गई वो सिलेंडर वाली रानी। सरकारी नौकरी प्राइवेट हो रही है, सरकारी नौकरी प्राइवेट हो रही है, लाखों खड़े हैं बेरोजगार भैया, लाखों खड़े हैं बेरोजगार भैया। सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर का है, सवाल हमारी जिंदगी तो अब खत्म है समझिए आपकी हमारी। हाँ। अब क्या करने लायक बचे हैं, नौकरी है ही नहीं। 400 पार का दावा कर रही है बीजेपी, वो झूठे हैं, दुनिया में उनसे बड़े झूठे कोई नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य हुए, ब्रजेश पाठक हुए, योगी आदित्यनाथ हैं, कह रहे हैं 80 हराएंगे यूपी में समाजवादी पार्टी साहब। पूरे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो चौराहे पे बड़ी होर्डिंगें दिखाई दे रही हैं, उसमें कहीं प्रत्याशी का एक फोटो हमको आप दिखा दीजिए, प्रत्याशी फोटो से गायब। हाँ। एक आदमी के नाम पे कुल वो चुनाव, और 4 जून के बाद वो भी गायब।
इतना कॉन्फिडेंस था सपा जी चुके हैं कॉन्फिडेंस। हम कॉन्फिडेंस अपने बदौलत नहीं कर रहे, देश की जनता के बदौलत कर रहे हैं साहब। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, एमए, एमटेक, बीटेक, सीटेट, एक नई परीक्षा आई है पेट, ये सारा मार्कशीट लेकर आप चले जाइए चौराहे पे, ठेला लगाया है मूंगफली बेच रहा है उसको दे दीजिए और कहिए इसके बदले में 100 ग्राम मूंगफली दे दो, फेंक देगा वो कागज, मूंगफली नहीं देने वाला है। कहाँ गए दुनिया के सबसे बड़े झूठे लोग हैं और डरपोक लोग हैं, डरपोक। देश की आज़ादी में इनका कोई योगदान नहीं रहा, तंत्र को सिस्टम को हाथ में लेके डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, हिटलर शाही है। लेकिन याद रखना जन क्रांति दुनिया के बड़े से बड़े तक तो ताज को बदल के रख दिया है, इनका भी दिन, अंग्रेज चले गए इस देश से, ये भी जाएंगे। और नोट कर लीजिएगा पूर्वांचल से आते हैं, जलवा क्या है पूर्वांचल में, ये जीत कहाँ आ रहे हैं पूर्वांचल में बीजेपी वाले, जमानत इनकी जब्त हो रही है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं जहाँ से मैं अभी आजमगढ़ से आया हूँ, यहाँ मैनपुरी में हूँ, यहाँ के बाद फिर आजमगढ़ चला जाऊंगा, मैनपुरी के बाद आजमगढ़ का चुनाव है, हम लोग चलेंगे वहाँ लड़ने के लिए। भोजपुरी के इतने बड़े स्टार हैं आप, भी भोजपुरी के जाने माने बिरहा गायक हैं, बहुत कुछ आपसे नहीं कहूँगा, हम पड़े हुए हैं आप किसी इंडस्ट्री वाले नहीं, वो अलग बात है, इंडस्ट्री आ जाए, देश में हमें रोटी चाहिए समझिए बात को, और हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें दवाई चाहिए, चर्चा इस चीज़ पे होनी चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लोग आकर के क्या कर रहे हैं, अगर किसी भोजपुरी इंडस्ट्रीज के पास आप फिर अभी आजमगढ़ जाएंगे, मैं डंके की चोट पे आपसे कह रहा हूँ, जो भोजपुरी का सबसे बड़ा आदमी जिसको ग्लैमर पब्लिक सिटी वाला समझते हो उसको ला दीजिएगा मेरे सामने, खड़ा करा दीजिएगा, 5 मिनट अपने चैनल पे डिबेट करा लीजिएगा, टिक गया 5 मिनट तो उस दिन के बाद मैं आजमगढ़ में आपके सामने बोलूंगा। आजमगढ़ वालों के लिए कौन सा गाना धर्मेंद्र सोलंकी जी लिखे हैं? लगातार गाने आ रहे हैं, आजमगढ़ के सच्चे पहरेदार बनेंगे, आजमगढ़ के सच्चे पहरेदार बनेंगे, सांसद धर्मेंद्र इस बार बनेंगे, आजमगढ़ के सच्चे पहरेदार बनेंगे, सांसद धर्मेंद्र इस बार बनेंगे, चल आएगा ना चारों तरफ। निरहुआ जी ने कहा योगी जी मोदी जी बच्चे नहीं पैदा किए, बेरोजगारी ना बढ़े इसलिए। एक वीडियो वायरल हो रहा है उनका जिनका नाम आपने लिया, महंत जी के पास ऐसे लेटे हुए हैं और एक महिला है तो महंत जी कह रहे हैं आपकी सिस्टर है, तू कह रहे नहीं ये मेरी अर्धांगिनी है, और खुदे कह रहे हैं कि कबूल करो कि आप मेरी अर्धांगिनी हो, तो आप जरा पूछे पीछे वाले जो बच्चे हैं उनके साथ न्याय है कि अन्याय है। अच्छा 2022 के चुनाव में आपका गाना एक हम सुन रहे थे, बहुत धूम मचाया हुआ था, सुल्तान बदलने वाला है, अब 24 में कौन सा गाना आया है जो धूम मचाने जा रहा है? नहीं धूम तो सारे गाने मचा रहे हैं, वो सबसे बेहतर गाना आपका कौन सा? बात धूम की नहीं है, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ ये धूम क्या चीज होती है, एक केवल व्यूज जाए, 100 व्यूज जाए, मेरे कई मिलियन में व्यूज जाते हैं, ट्रिलियन में भी व्यूज जाते हैं, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि जनता के समस्याओं की जो गीते हो, जो आम जनमानस के लिए कारगर हो, ये जरूरी है, वो गीते अगर 500 ही उसका व्यूज आए तो ये धर्मेंद्र सोलंकी उस 500 पे संतुष्ट है, न कि किसी की चापलूसी करके, न कि किसी की चमचाई करके। सवाल तेरे हाथ में है सत्ता, सर से बहा लो पानी, मौसम ये जिस दिन बदला तेरी होगी खत्म कहानी, मौसम ये जिस दिन बदला तेरी होगी खत्म कहानी, जा रही है भाजपा। गाजीपुर चर्चा में रहने वाली सीट होने वाली है, मुख्तार अंसारी के निधन के बाद आपका गाना आया था, पूर्वांचल के हैं, गाजीपुर में क्या माहौल देख रहे हैं? पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत, भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिला, कहाँ से उठा के कैंडिडेट दी, ऐसे तो हर सीटों पे हो रहा है, उसके जो वर्तमान सांसद हैं गांव में खदेड़े जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। पूरब की सबसे बड़ी जीत होने जा रही है गाजीपुर में, सबसे बड़ी जीत, और भारतीय जनता पार्टी जिस पे सवाल उठाती है
जिस परिवार का ये इतिहास रहा हो कि ब्रिगेडियर उस्मान जैसे लोग इस देश के लिए शहीद हुए हो, जिस परिवार का ये इतिहास रहा हो कि जिस परिवार से निकल करके देश का उपराष्ट्रपति हुआ हो, जिस परिवार का ये इतिहास रहा हो कि एक देश के नेशनल पार्टी के लिए दिल्ली में अपना जमीन दे दिया और उसी में कार्यालय खुला, जिस पार्टी का ये इतिहास रहा हो कि आम आवाम गरीबों के लिए हमेशा दरवाजा खुला रहता हो, उस आदमी के ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है गाजीपुर में, और उम्मीद आप ये रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी हार अगर भारतीय जनता पार्टी की कहीं होगी तो गाजीपुर में होगी। एक आपके इंडस्ट्री के बड़े चेहरे रहे हैं, पूर्व वर्तमान सांसद है गोरखपुर की रवि किशन, काजल निसाल लड़ रही हैं चुनाव उनके खिलाफ। कल किसी महिला ने आरोप लगाया है, हाँ, कि हमारी शादी हुई थी, इसको काने बोल रहे हैं, उसकी बेटी भी है, हाँ, पीसी की है लखनऊ में, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सामने आके जवाब देना चाहिए ना। क्या देख रहे हैं उधर, तो आप उसी गोरखपुर मंडल से आते हैं, तो क्या माहौल देख रहे हैं गोरखपुर में? साइकिल, योगी जी का गढ़ है, साइकिल हराए थे, मुख्यमंत्री रहते हुए हराए थे, बुरी तरह हराए थे। पर भी निषाद तब थे, साइकिल हराई थी, निषाद को की बात नहीं है, साइकिल हराई थी फूल को, अखिलेश यादव का चुनाव चिन्ह उनको हरा दिया। चलिए, हमारे दर्शकों का एक आखिरी रहेगा सवाल, कोई बेहतर गाना हमें सुना दीजिए, खत्म करते हैं वीडियो। जैसन राज चलव लस सपा, अब परिवेश ना होई, नेता के तनो केहू बनी लेकिन अखिलेश ना होई, नेता के तनो केहू बनी लेकिन अखिलेश ना होई। मैनपुरी लोकसभा में मौजूद थे हमारे साथ समाजवादी संस्कृत प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे धर्मेंद्र सोलंकी जी, बात कर रहे थे, ऐसे ही चुनावी कवरेज करते रहेंगे, लोगों से मिलवाते रहेंगे, आपको क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में बताइएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।